देखिए जौन परेशानी आप हैं वहीं के हम हैं जी, हरदिए चवर के, और सब हम समझते हैं। नालों को खुलवा के जितने भी पानी हम लोग के जमा हुआ है मैंने हरदिया चौर के, उसको हम लोग निकासी का प्रयास कराएंगे। लगे रहते हैं विधानसभा भी, मेरा क्वेश्चन है हरदिया चौर के पानी निकासी, हरदिया चौर में जल जमाओ कैसे समाप्त। मुआवजा, मुआवजा का सर बात किए तो आज जो आग जली हुई थी पिछले वर्ष, अभी तक मुआवजा नहीं मिला सर। क्या बात आप बताइए, आप जानकारी नहीं रखते हैं, यही कमी आपको। मेरा सर, पहले बात सुने ना, मेरा पैसा आ गया है, हम लग के यही इस बार रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। इसके पहले भी जितना भी आग जली हुआ लोगों को पैसा नहीं मिला, लेकिन मेरा अंचल पदाधिकारी के यहाँ पैसा आ गया। एडीएम हमारे 13 लोग हैं, एडीएम को हमने दम चढ़ा रहा कि भाई लोगों को आग जली होता है और शिकायत मिलते रहता है कि हमारा पेमेंट नहीं है, मेरा पैसा आ गया है सभी लोगों के खाता में। नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी विधायक छोटे लाल राय जी, जो कि परसा क्षेत्र 121 है विधानसभा क्षेत्र। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बतलाइए। आज सर बात होगा आपसे किसानों के मुद्दा पे। जो हमारे यहाँ के किसान हैं लगभग बाढ़ से हमेशा परेशान रहते हैं, कभी आगजली से परेशान रहते हैं। तो सबसे पहला सर प्रश्न रहेगा कि आज जो है अक्टूबर चल रहा है और आज 16 अक्टूबर है और अभी तक कहीं ना कहीं पानी चौर में आ ही रहा है और पूरे विधानसभा के लोग परेशान हैं इससे। देखिए जौन परेशानी आप हैं वहीं के हम हैं जी, हरदिए चवर के, और सब हम समझते हैं। दरअसल में जैसे नदी ऊपर होगा तो हम लोग थोड़ा नीचे हैं जी, जैसे नदी नीचे होगा इधर का पानी हम लोग उधर निकासी करेंगे। अब की जो मौसम खराब चल रहा है जी, जिस समय पानी की जरूरत था उस समय पानी नहीं, जब पानी की जरूरत नहीं तो पानी, अभी देख लेते हुए क्या कि गंडक नदी कितना बढ़ गया, गंगा का पानी बढ़ गया, तो थोड़ा उतराव चढ़ाव होता है। गंडक नदी से पानी निकालने के लिए ठीक आप बोले कि मेहुरा नदी है, चाहे शिकारपुर का नाला है, चाहे फिर दरियापुर शिकारपुर का मामला है, चाहे मोहदली चेक है, फिर शीतलपुर के कैनाल से पानी निकलता है जी। जैसे गंडक नदी और गंगा दोनों कम होता है, हम सभी नालों को खुलवा के जितने भी पानी हम लोग के जमा हुआ है जी, मैंने हरदिया चौर के, उसको हम लोग निकासी का प्रयास कराएंगे। सर केवल निकासी होगा कि उसको साफ सफाई करवाने का भी काम? साफ सफाई तो अभी हुआ है, हम लोग फिर जोर लगा रहे हैं कि एक बार जबले बढ़िया से उसका हम एक चैनल बनवा रहे हैं। हम बहुत गाँव में लेके गए थे, दिल्ली की एक कंपनी है उसका नाम हम बतलाते हैं, वो चैनल वो कंपनी आया है और पूरे मापदंड तैयारी किया है हरदिया चौर के, हरदिया ही चौर नहीं बल्कि छपरा जिला के वो कर रहा है, छपरा मढ़ावरा से जो हम लोग का पानी आके डिस्टर्ब बौद्धा नाला होके जो आता है उसमें हमने बहुत जगह लेके बनौता बथुई अंजनी के चौर आपको फिर बलिगाँव के चौर सब चौर में हम खुद अपने से आज से करीब 4-5 महीने पहले हम लोग लेके गए थे जो हमारे कंपनी जो काम करने वाले, और हम लोगों ने विस्तार से बात को रखा है। कारण कि हम लोग तो नीचे हैं तो थोड़ा ही है, बहुत से जैसे गांव हम लोग के ऊपर में भी है, ऊपर के गांव कौन है आपको, अंजनी है, बनौता है, बथुई है, बलिगांव है, मारर है, भमारर है, ये सब क्या है कि जैसे नदी के पानी नई निकासी होने के नाते जैसे बौधा नाला में अगर पानी भर जाए नई निकासी हो वो लोग हम लोग उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक चैनल बने, वो चैनल काम करके हम लोग हम तो खुद उस पर रोज़ लगे रहते हैं। विधानसभा भी मेरा क्वेश्चन है हरदिया चौर के पानी निकासी, हरदिया चौर में जल जमाव कैसे समाप्त। जल जमाव तो है फिर इससे सर कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं उनको खेती में भी सर दिक्कत हो रहा है और प्लस समय पर खेती नहीं हो पा रहा। नहीं ये बात आपका 100% कहना सही है, तो अगर किसान के इस तरह का कोई मामला आएगा तो हम लोग सर्वेक्षण कराएंगे, अभी हम पत्र लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मंत्री हैं कृषि विभाग के, हम लोग पत्र लिख के जो अगर मुआवजा की जरूरत होगा, अगर पानी नहीं निकासी हो तो मेरे पास उपाय क्या है, उपाय है कि उन लोगों को कृषि से जो हेल्प चाहिए मदद चाहिए वो हम लोग कराने का काम करेंगे। फिर हम लोग चाहते मुआवजा हैं। मुआवजा का सर बात किए तो आज जो आग जली हुई थी पिछले वर्ष अभी तक मुआवजा नहीं मिला सर। क्या बात आप बताइए, आप जानकारी नहीं रखते हैं, यही कमी आपको। मेरा पहले बात सुने ना, मेरा पैसा आ गया है, हम लग के यही इस बार रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। इसके पहले भी जितना भी आग जली हुआ लोगों को पैसा नहीं मिला, लेकिन मेरा अंचल पदाधिकारी के यहाँ पैसा आ गया। एडीएम हमारे 13 लोग हैं, एडीएम को हमने दम चढ़ा रहा कि भाई लोगों को आग जली होता है और शिकायत मिलते रहता है कि हमारा पेमेंट नहीं है, मेरा पैसा आ गया है सभी लोगों के खाता में। हम तैयारी कर रहे हैं कि जितने भी लोगों का जो जला है तैयारी हो चुका है, सब लोगों के खाता में पैसा तुरंत डलाने जा रहा है, पैसा आ चुका है।
सर, जैसा कि परसा विधानसभा में लगातार सर दो तीन मुद्दा जबरदस्त आया, अभी सरैया में हत्या हो गया, उसके बाद सर बहुत सारे ऐसे अगर घटना होगा तो हम लोग को शक्ति अपनाना चाहिए। जो किसी गरीब के साथ अन्याय मौत हो, इस पर तो हम लोग खुद लगे हुए हैं। जमाना आप लोग कहाँ है, अभी जमाना बहुत बदल चुका है, बहुत दूरी का मामला हो तो इसलिए कभी कभी इस तरह का घटना होना चाहिए, इस पर क्षोभ व्यक्त करना चाहिए, इस पर गंभीरता से थाना जो हमारे DSP हैं SP हैं सर, थाना पे भी सर प्रश्न उठता है, जो साइकिल से जा रहे हैं उनको भी उठा लिया जाता है कि सर आप पीकर घूम रहे हैं। दो तीन ऐसा केस मेरे सामने, एक दरियारा के व्यक्ति को उठा लिया गया, एक मठकाकड़ा के व्यक्ति को उठा लिया गया। ये सब जो करते हैं पदाधिकारी, वो अपने कमाने की फिरा में रहते हैं, हम उसका घोर विरोधी हैं। अगर एक्चुअल में कोई दारू पीता है तो उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए, कारण कि सरकार के मापदंड पर हमको चलना है, हम सरकार के लोग, इसलिए उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ऐसे गरीब आदमी को जो उठाता है उससे पापी कोई आदमी नहीं है। हम जब तब टेलीफोन करके बात जरूर बोलते रहते हैं कि न्याय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बांध के जा रहा है, कोई ऊपर से जा रहा है, कोई नीचे से जा रहा है, तुम शराब पियो उठा लो, इसका दूध ना अपने उसको देखिए, वो जो कर रहा है उन पर भी कार्रवाई खोज के किया जाएगा कि इस तरह को कैसे कर पाते हैं। उन पर हम लोग बख्शेंगे नहीं, हमने कल ही इस बिंदु पर बात को रखा है। लेकिन जाने पर कहता है कि सर पिए हुए, तो जब पिए हुए कहता है तो हम लोग उसमें क्या कर पाएंगे, तब तो मजबूरी होता है हम लोगों का। लेकिन अगर इस तरह का मिल जाए कि नहीं पिया हुआ, अगर कोई ले गया उसको उठा के जबरन ले गया पैसा सुनने के लिए, तो उसको हम लोग बख्शते नहीं, हमारा हम तो इसके खिलाफ है। अभी सर चुनाव चल रहा है, आप लोग के पार्टी का दो दो विधायक खड़े हैं, उस पर सर क्या कहेंगे गोपालगंज में मुकाबला? वो तो तय हो चुका है ना कि हम दोनों सीट जीतने जा रहे हैं, और हम लोग तो नॉमिनेशन के गोपालगंज के नॉमिनेशन में आदरणीय तेजस्वी जी के तरफ से हमको आदेश मिला था, हम लोग गए थे वहाँ। लोगों का इतना एकजुटता है, और आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ये जान लीजिए कि हर विधानसभा में 25,000 तक वोट बढ़ गया है। तो हम लोग मिल के, हमारे तेजस्वी जी नीतीश जी मिल के, हम लोग भारी वोटों से दोनों जगह जीतने का काम करेंगे। तो हमारे साथ थे RJD विधायक छोटे लाल राय जी, जो परसा विधानसभा क्षेत्र से, जो कि बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि हमारा ही जीत होगा दोनों सीटों पे, मोकामा और गोपालगंज में। हमारे बगल में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो किस काम से आप आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश गिरी। किस काम से आए हैं? मठकाकड़ा विद्यालय के बारे में। क्या विद्यालय के बारे में? क्या 8वां तक स्कूल होना चाहिए। बतला दें, आप पत्रकार हैं, जान लीजिए, प्रेस मीडिया से हैं, इसका सिस्टम है जी जी। और हम लोगों को उस पंचायत के सबसे दूरी बांध हम ही हैं कि उसको नदी नदी में समुद्र में गांव था, उसको हमने ऊपर किया, सड़क बना के ले गए कितना हाइट करके। ये बात जो अगर मठकाकड़ा के लोग उठा रहे हैं कि भाई उसको मिडिल होना चाहिए, तो मेरा भी पूरा सहमति है। जैसे हमको कहीं से आदेश मिलेगा कि मठकाकड़ा को मिडिल स्कूल बनाना है, निश्चित रूप से बनाएंगे, एकदम गारंटी बोल रहा है। और हम पत्र भी मंत्री को, जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनको भी लिख देते हैं, DO और DM को भी लिख देते हैं। और जब भी हमको मौका मिलेगा, अगर आज मौका मिलेगा, तो मठकाकड़ा के लिए हम पीछे नहीं है, निश्चित रूप से उसको मिडिल स्कूल बनाने का काम करेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने सुना कि सर जो है अपने पत्र पर, और पत्र लिख भी चुके हैं, और यहाँ पूरा एकदम लिख कर रखा हुआ है कि आगे की तरफ शिक्षा मंत्री को यह पत्र भेजा जाएगा माननीय विधायक जी के तरफ से। कैसा लगा मेरा प्रयास? और बहुत सारे यहाँ देखिए सिग्नेचर भी हो रहा है उस लेटर पैड पे, जो कि शिक्षा मंत्री जी के पास भेजा जाएगा। तो कैसा लगा प्रयास, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे सर से, फिर बातचीत होगी अगला कोई विशेष मुद्दा पर। तब तक के लिए जय हिंद।